फक हो गया। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है विशाल, आप देख रहे हैं VBO लाइफ। सो लाइफ है तो भाई घर तो दिखाना बनता है। फर्स्ट टाइम मैं अपने घर का बेडरूम दिखा रहा हूँ और यहाँ पे हमारे साथ बैठे हैं, आओ मेरा बेबी, आ जाओ पापा, आ जा। तो यहाँ पे हमारे साथ आज है जॉय, जो कि हेलो करेगा सबको, हेलो करो, अभी नहीं कर रहा। तो जॉय जी है यहाँ पे, फुल ऑन मस्ती के मूड में तो नहीं है, खैर अभी सो रहा है, तो इसको हम देते हैं सोने। क्या हुआ आपको, व्हाट हैपेंड, गर्मी लग रही है बेटा? वीडियो के लिए फैन बंद किया, सॉरी उसके लिए। चलो आप जाओ दूसरे रूम में जाओ, वहाँ पे फैन चल रहा है। चलो जी हाँ, तो अभी हमने ऑर्डर किया बिरयानी ब्लूज से बिरयानी, और हमने किया ऑर्डर 1 kg। काफ़ी दिन हो गए थे, लॉकडाउन चल रहा था जिसकी वजह से हमने बाहर का कुछ नहीं खाया था। तो आज एक ऐड आ रही थी, उसमें आ रहा था कि WHO ने बोल दिया है कि कोरोना इस दुनिया से जल्दी नहीं जाएगा, तो हमारे को इसके साथ रहना सीखना पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई जब रहना सीखना पड़ेगा तो बाहर का खाना भी तो सीखना पड़ेगा ना, सही बात है। तो यहाँ पे बैठी हुई गरिमा और वो अपने ऑफिस का काम कर रही है, उसकी थोड़ी सी तबीयत आज लो है, तो जिसके करके वो ब्लॉग में तो नहीं आएगी, बट हाँ जहाँ पे हमारे को उसकी हेल्प चाहिए होगी देगी। जैसे कि कैमरा भी बीच में होल्ड करना है, तो नीचे ये मेरे पैर को चाट रहा है। No! तो वहाँ पे गरिमा हमारी हेल्प करेगी। तो 1 kg बिरयानी मंगाई है हमने बिरयानी ब्लूज से, तो आती है, दिखाते हैं कैसी पैकेजिंग है, डिलीवरी हो रही है स्विगी से, बाकी आने दो, वेट करते हैं। और यहाँ पे इसकी मस्ती चालू होगी, वो दिखाता हूँ। हाय जॉय, कैसा लग रहा है आपको हमारे साथ? कुछ ही दिनों में आप 2 महीने के होने वाले हो, किसी को कुछ कहना चाहोगे? बेटा ये एक नाक क्यों इतना भगा रहे हो तुम? आहे आंख मारी इसने। सो ये होता है फैन का रेगुलेटर, और बेस्ट होता है डॉग का प्ले करने के लिए, बिकॉज आप महंगे लेके आओगे टॉयज, ये खेलेंगे नहीं इससे, ये जो खेलेंगे ये इसको छोड़ेंगे नहीं। ये देखो, ये गया, और जॉय यहाँ पे खेलना शुरू। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये इसके टॉयज चलते रहते हैं। कैमरा नहीं खाना बेटा, कैमरा नहीं खाना, ये बहुत महंगा टॉय है। कुत्ते क्या? फक हो गया। सो यहाँ पे हमारी बिरयानी आ चुकी है, अब हम इसको रखेंगे। तो यहाँ पे आ चुका है हमारा खाना, तो अब इसके साथ आए 3 दही और हमने 2 गुलाब जामुन मंगाए थे, बिकॉज यार स्वीट्स बड़े दिन हो गए थे नहीं खाई थी, तो हम खा रहे हैं। और हेलो जॉय, कैसे हो आप, मस्ती कर लो हमारे साथ। बस कैमरा देखते ही, कैमरे के नीचे ये रस्सी है, इसके पीछे पड़ जा रहा है। तो अब जल्दी चलते हैं, बिकॉज लंच की भूख बहुत ज़्यादा लग रही है अभी, हमें भागते हुए जाना है और रूम में चल के खाएंगे, यहाँ पे थोड़ी गर्मी ज़्यादा है आज। यहाँ पे हमने ऊपर कवर कर लिया है और उधर AC ऑन कर लिया है, और अब यहाँ खाएंगे। 1, 2, 3। तो यहाँ पे आ चुकी है हमारी बिरयानी, और अब हम इसको करते हैं ज़रा अनरैप्ड, बहुत टाइम से यार ऐसी चीज़ को भी खोली नहीं, 4 महीने हो गए, आज खाएंगे तुझको। गरिमा, आर यू एक्साइटेड? बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो पसंद भी नहीं है बिरयानी। कुत्ती। अब हम इसको खोलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसी है अंदर से बिरयानी।
तो यहाँ पे हमने ये खोल दिया, तो भैया इसके ऊपर एक और लेयर है, तो ये लेयर को हम, ओह माय गॉड, अच्छा जी क्या बात है, वाओ, सारा धनिया इसी पे आ गया, शिट मैन, चलो कोई नहीं, वाओ। और यहाँ पे जॉय को खुशबू आ गई और ये भाई साहब सूंघ रहे हैं, बेटा आपको नहीं मिलेगा सॉरी। तो चलिए सर करते हैं, तो यहाँ पे हमारी प्लेट में बिरयानी आ चुकी है और दम बिरयानी 1 kg क्वांटिटी 800 के अराउंड मेरे को टोटल इसकी कॉस्टिंग आई है। तो चलिए अब जरा इसका टेस्ट देखते हैं, वर्थ है। अभी तो हमने पहले खाई है भैया बिना दही के, मज़ा आ गया। एक चीज़ की कमी लग रही है, साथ में अगर प्याज होता ओए और मज़ा आ जाता। और अब हम खाएंगे दही के साथ, एक चीज़ और, ठंडी हो चुकी है अभी तो थोड़ा सा मज़ा कम आ रहा है, अदरवाइज बेस्ट है। 1 kg है, पूरी ख़त्म करनी है, तो अब खाते हैं फिर मिलते हैं। 2000 years later, तो खा ली हमने बिरयानी शिरयानी, 1 kg थी बट मेरे से मैक्सिमम 1/2 kg खा लिया मैंने, आपको दिखा देते हैं हम इस टाइम पे, आप देख सकते हो 1/2 kg मैं खा चुका हूँ, 1/2 kg नहीं खा पाया, वो खा लेंगे थोड़ी देर बाद खा लेंगे, क्योंकि एकदम से ओवरलोड हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। और एक चीज़ मिस कर दी हमने, साथ में कोल्ड ड्रिंक होती ना तो और मज़ा आया था, बट कोल्ड ड्रिंक नहीं थी, टेस्ट में अच्छी थी। गुलाब जामुन तो है हमारे पास, हाँ अभी गुलाब जामुन है हमारे पास, तो खोलना, इनकी भी शक्ल दिखा देते हैं आपको। और 2 गुलाब जामुन है जिसकी कॉस्टिंग हमारे को 49 rupees आई थी प्लस टैक्सेस। और ये रे वो, अब इसे खाते हैं, गरिमा जी खाएंगी एक, हम खाएंगे एक, और कितने टाइम बाद यार, मैं सच्ची में बता रहा हूँ, मतलब मैं मीठा खा रहा हूँ। ओके, तो ये साइज़ है गुलाब जामुन का, गरिमा के नीचे टपकेगा तो टपकेगा तो टपकने दो, क्योंकि बेड पे भी बड़े दिनों बाद गुलाब जामुन गिरेगा। आहा, गलती कर दी, क्या कर दी ना, बोल तो दे, दिखाई तो देनी नहीं शक्ल, एक्सप्रेशन भी छुपाए हुए हैं तूने, मुंह से तो आवाज निकाल ले क्या। गलती कर दी, और बुलाने चाहिए थे और मंगाने चाहिए थे हमारे को गुलाब जामुन। और हमारे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, गरिमा गया था थोड़े दिनों पहले, उसने कहा था कि मैं गोलगप्पा चैलेंज करूंगी तुम्हारे साथ, है ना, गोलगप्पा वाले चैलेंज करें। और जब हम करेंगे तो वो कुछ डिफरेंट होगा, वो क्या डिफरेंट होगा आपको उस वाले व्लॉग में पड़ेगा पता चलेगा, उस वाले व्लॉग में। तब तक इस वाले व्लॉग पे कमेंट करके बताओ कि चाहते हो गोलगप्पा चैलेंज वीडियो हम दोनों का, तो बताओ। 2 hours later, हाँ जी, तो नींद हो चुकी है हमारी पूरी, बहुत ही अच्छी नींद आई थी। टाइम हो रहा है 5:22 इस टाइम पे, और सोते सोते दो चीज़ें हो चुकी हैं। पहली चीज़ जो हुई है, मौसम हो चुका है बड़ा कैड़ा, बारिश हुई है यहाँ पे हमारे। और दूसरी चीज़, लाइट चली गई है घर की, इन्वर्टर पे चल रहा है इस फोन पे। तो 5, 5:30, 6 के बीच में हम लोग चाय पीते हैं और मैं बनाता हूँ, क्योंकि गरिमा का ऑफिस का वर्क ही नहीं खत्म हुआ था। तो चलो आज चाय बनाते हैं।
तो यहाँ पे हमने डाल दिया है 4 चम्मच चीनी, 2 चम्मच चाय पत्ती और 1 कप पानी, क्योंकि 2 कप बनाने हैं और आजकल थोड़ी ज़्यादा अच्छी चाय बनाते हैं तो गरीबों के लिए थोड़ी ज़्यादा बनाया करो। और सीन अभी कुछ हुआ है इन द हिस्ट्री ऑफ चाय बनाने की, में ये मैंने कैमरे को चीनी के बॉक्स के ऊपर रख दिया था और बाद में मैं इस तरफ चीनी ढूंढता हूँ कि भाई चीनी गई तो गई का। देन आई कॉल गरिमा, मैं क्या चीनी का है, तुम कहती ये क्या है, मैं कहा सॉरी माई मिस्टेक, आई अपोलोजाइज। ओके तो चाय के साथ हम लेंगे यहाँ पे बने कुछ लेस, लेस लेंगे और अगर लेस ना हो तो फिर मैं पॉपकॉर्न बनाता हूँ, वो हम आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में कभी भी दिखाएंगे मेरे स्टाइल में पॉपकॉर्न कैसे बनाता हूँ। और चाय को अच्छे से हम इस टाइम पे काट लेंगे बिकॉज तभी टेस्ट आएगा। इलायची नहीं डाली, वो भी डालते हैं। आप सोचेंगे ये दूध कौन सा स्टाइल में डाला है, तो मैं जानबूझकर दूध को छान लेता हूँ क्योंकि इसके अंदर जो मलाई होती है वो छन्नी में आ जाती है। और यहाँ पे ये दूध गया इसमें। अब मेन टाइम जो आएगा वो आएगा करने का। आई एम सॉरी, चाय गिर गई, उसका रीज़न ये था कि भाई एक तरफ फ़ोन आ गया, दूसरी तरफ बेल बजा दी, कोई डोर पे आ गया था टेनेंट, तो उसकी करके दिमाग इस तरफ से हटके मैं पीछे नहीं देख रहा, तो इतने में चाय सो गई। कोई नहीं, चलता है, पता लगना चाहिए, आई एम नॉट परफेक्ट, गड़बड़ हो जाती है। तो अब बस डालते हैं, तो मेरी वाली में मैं हमेशा थोड़ी चीनी एक्स्ट्रा रखता हूँ, थोड़ी सी, ताकि टेस्ट अच्छा लगे। सो ये होता है जब हमारे घर के कर्टन्स नीचे लटके होते हैं ना, तो ये होता है, ये देख रहे हो, मस्ती फुल ऑन, कोई दीन दुनिया की खबर नहीं है, बस अपनी मस्ती करनी, जॉय कम। सो एट द एंड जाके पूरे दिन हमने निकाल दिए घर पे, और इस टाइम पे मैं बाहर इसलिए नहीं जा रहा हूँ ज़्यादा बिकॉज काफ़ी हमारे नोन्स के साथ कोविड के केसेस हो रहे हैं, तो इस करके मैं थोड़ी सी प्रिकॉशंस लेने जा रहा हूँ और मैं बाहर नहीं जा रहा, तो घर से ही मैं ब्लॉग कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं घर में कभी ऐसे ब्लॉग नहीं करता, चाय तो कभी भी नहीं बना के पिलाता। हाँ हाँ मज़ा आ गया, आप गरिमा देगी फीडबैक क्या आएगा वो आपको मिलेगा इंस्टाग्राम पे। इस व्लॉग को हम यहीं पे करते हैं ख़त्म, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए ऐसी वीडियोस और बनाएं। और यहाँ पे इसकी मस्ती पीछे चल रही है, इसको कोई वो नहीं है कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसकी मस्ती फुल ऑन चलती रहेगी, और कभी कभार थोड़ा सा भी बीमार हो जाता है उस टाइम पर हमारी जान अटक जाती है, तो कोई नहीं, चलो अच्छी बात है, लाइफ के अप्स एंड डाउन आते रहेंगे। ब्लॉग को करते हैं ये खत्म, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कौन सा पार्ट अच्छा लगा। इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू, पीस। कौन से वाला, फैमिली के साथ बैठ के 2 कप चाय पी लो, मिल जाएगा।